हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडबिला पॉइंट। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 4। मैथ्स की वर्कशीट है क्लास 9 के लिए इंग्लिश मीडियम। आज का टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। तो ये आज की हमारी वर्कशीट है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर फॉर्म बाय कम्बाइनिंग कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल। जो कॉन्स्टेंट और वेरिएबल को हम कम्बाइन कर देते हैं, देखिए 4x + 7 है, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जांपल है। ठीक है, सेम अलजेब्रिक जो टर्म्स जो क्या होते हैं, हैविंग द सेम अलजेब्रिक फैक्टर्स, लाइक टर्म्स कहलाते हैं वो। और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, जिनका डिफरेंट अलजेब्रिक फैक्टर होते हैं। दो तरह के हो गए, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। जैसे 12x - 25x में है, अब देखिए यहाँ पर सेम है ना, तो ये लाइक टर्म है, सेम अलजेब्रिक फैक्टर है। जबकि यहाँ देखिए 2xy - 3x है, ये सेम नहीं है, तो ये अनलाइक टर्म है। क्लियर है? एक्सप्रेशन कैसे, अब आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है एग्जांपल के तौर पे, 4x² - 3xy, इसमें टर्म होगा 4x² एंड -3xy, एंड फैक्टर आप 4x² के करेंगे 4 × x × x, ऐसे -3 × x × y, ये इसके फैक्टर्स है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन जब ही होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, जब लाइक टर्म होंगे, अनलाइक पे नहीं होगा। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ध्यान रखना है आपको। ऐड करते हैं, जैसे 7xyz, अब आपके पास 3 डिजिट है, ये 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लाइक को लाइक टर्म के नीचे ही लिखना है, ध्यान रखना है। 7xy + 5yz + 3z, ऐसा आपने ये लिख लिया फर्स्ट लाइन में। सेकंड में लिखिए 4yz, हमने उसे यहाँ लिखा, ठीक है। फिर +9zx एंड -4y, ये सबसे अलग है, तो राइट में लिखते जाओ, कहीं साइड में आप लिख सकते हैं इस तरह से। -3xz, तो xz के नीचे xz लिखा माइनस का, +5x, ये साइड में लिखी क्योंकि ऊपर कोई भी ऐसा नहीं था, एंड -2xy, इसको हमने xy के नीचे लिखा। नाउ अब इनको हम ऐड करेंगे, तो हम ये लिखेंगे 5x -4y, -3 और -3 -6 होता है, अब 9 में से उसको माइनस कीजिए, तो प्लस का 3 आएगा, है ना, 3zx। सिंबल का ध्यान देना है आपको, बड़े डिजिट का सिंबल आता है हमेशा प्लस या माइनस करते समय। 4 और 5 को ऐड कीजिए तो ये आएगा 9, और yz है इसका। नाउ 7 में से 2 गया, 5 आ गया, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, साथ में xy है तो 5xy लिख देंगे। सेम ऐसे हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, जिसको हम क्वेश्चन में सीखेंगे। नाउ मल्टीप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अगर मोनोमियल, मोनोमियल यानी वन टर्म वाले मोनोमियल को मोनोमियल से ही आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा, 4ab × 5bc, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड ab को bc से, 4 को 5 से करेंगे तो 20 आएगा। अब इसमें bb मल्टीप्लाई होके b² हो जाएगा, एंड a और c ऐसे भी रह जाएंगे। ठीक वैसे मोनोमियल को अगर पॉलीनोमियल से करते, पॉलीनोमियल यानी जो मोर देन वन टर्म है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैसे करेंगे, 3p है मोनोमियल और ये है पॉलीनोमियल। अब 3p को आप इससे भी करोगे, 3p को आप इससे भी करोगे, 3p को आप इससे भी करोगे, 3p × 4 = 14, p की 3 बार, sorry 12, p की 3 हो गया 15, p² + 21, this is the answer। ठीक वैसे बाइनोमियल या ट्राइनोमियल जो भी पॉलीनोमियल है, मोनोमियल ना होके, उनकी मल्टीप्लाई कैसे होगी, पहले a को देखिए आप पूरे इससे कर लीजिए, पूरे ऐसे 7 को पूरी लाइन से करेंगे मल्टीप्लाई, एंड मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर ये आ जाएगा। प्रैक्टिस वर्क में इसको और अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर वन क्या कहता है, हमें टर्म और फैक्टर बताने हैं। टर्म और फैक्टर 1 + x + x², तो हम यहाँ लिखेंगे टर्म, टर्म इसके क्या है, 1 है, x है और x² है। अब फैक्टर्स की बारी, फैक्टर्स कौन कौन से, 1 का फैक्टर 1 होता है, x का फैक्टर x है, और इसके दो होंगे x और x। ठीक वैसे ये a पार्ट का b पार्ट करते हैं, 4x² y² - 4x² y² z² + z³। टर्म 3 है इसके, टर्म कौन कौन से हैं, 4x² y² ये वाला, फिर नेक्स्ट है -4x² y² z² एंड ये है z³। नाउ टर्म, इसमें टर्म देखिए, फैक्टर्स देखिए, फैक्टर्स 4 होगा, x 2 बार होगा एंड y 1 बार है। यहाँ पे -4x × x
वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड और यहाँ पर थ्री बार जेड इसके फैक्टर्स। सी पार्ट देखते हैं, क्लियर हो रहा है आपको? आई होप सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 20। टर्म कौन कौन से आपकी बताइए, टर्म है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस 20। अब फैक्टर्स कौन कौन से हैं बच्चे, फैक्टर इसमें देखिए 1 2 3 4 इतने एक्स एक्स वाई वाई और इसमें ओनली वन फैक्टर है 20 माइनस का। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की बारी, ऐड की बारी आती है। ऐड करना है 3 आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 4 दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 2, 7 माइनस 7 एम एन ए एम एन ए प्लस 5 फिर है 12 एम एन, ये प्लस का है, प्लस 2 9 एम एन माइनस 8 एंड माइनस 2 एम एन माइनस 3। ये हमारे पास क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको हमें ऐड करना है। तो इसको आप ऐड कीजिए, माइनस 11 आ गया और इसको ऐड कीजिए 7 आ गया प्लस का, तो इसमें से कितना आ गया माइनस 4 आ जाएगा, मतलब यानी यहाँ पे आएगा माइनस 4। ठीक वैसे ही पॉजिटिव वाले को प्लस कर दीजिए 21, एम एन एम एन सेम है लाइक का में, 7 2 9 हो गया, माइनस कीजिए तो कितना आ जाएगा 12 आएगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा 12 एम एन, क्योंकि ये बड़ी है तो प्लस का ही सिंबल है, तो ये हमारा आंसर है। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन कहता है कि फ्रॉम द सम, इसको सम कीजिए उसमें से इसको माइनस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सम करेंगे 3x माइनस वाई प्लस 11 माइनस वाई माइनस 11 सम करेंगे। चलिए करते हैं, इसे तो कट जाएगा 3x माइनस 2y प्लस 0 बचता है। अब उसमें से हम इसको माइनस करेंगे 3x माइनस वाई माइनस का 11 है आपकी माइनस का 11। अब क्या करना है, सबट्रैक्ट करना, तो सिंबल यहाँ अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये प्लस का 11 आ गया, ये कट जाएगा और यहाँ पे माइनस वाई आ जाएगा, प्लस 11 माइनस वाई, ये हमारा आंसर होगा। हेलो, क्लियर हो रहा होगा, तो देख लीजिए। क्वेश्चन 4, एरिया निकालना है, लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है, रेक्टेंगुलर बॉक्स है, तो वॉल्यूम निकालना है, बल्कि तो वॉल्यूम होता है फोर्थ क्वेश्चन का आंसर, एल इंटू बी इंटू एच, तो ये होगा 3xy इंटू 2x2y इंटू 2xy2, अब मल्टीप्लाई कीजिए 3 2 6 2 12 आंसर आ गया इसका, 12 आ गया ना, x कितनी बार है 1 2 3 और 4 टाइम्स है और y भी 4 टाइम्स है, क्यूबिक यूनिट, तो ये इसका वॉल्यूम आ गया, तो यहाँ पे आप वॉल्यूम कर लेना, क्वेश्चन में वॉल्यूम पूछा गया है। नाउ मल्टीप्लाई करना है एक्स माइनस 4 को किससे, पांचवा क्वेश्चन है एक्स माइनस 4 को मल्टीप्लाई करना है 3x² प्लस 5y से, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले एक्स को करेंगे मल्टीप्लाई, एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 3x² प्लस 5y से, फिर माइनस 4 को करेंगे, और है क्या है, चेक कर लेते हैं एक बार, 4 है 3x² प्लस 5y से, तो ये हो जाएगा 3x³ मल्टीप्लाई कीजिए 3, अब ये हो जाएगा प्लस 5xy, जिसको कीजिए माइनस 12x² माइनस 20y, तो सभी अनलाइक टर्म है, तो यही आंसर होगा हमारा। ठीक है, छठा क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि सिंप्लीफाई करो, तो पहले इसको सॉल्व करना होगा, a प्लस बी पहले सवाल उतार लेते हैं, a प्लस बी इंटू 2a माइनस 3b प्लस c माइनस 2a माइनस 3b इंटू c,
अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम a को मल्टीप्लाई करेंगे बी से, तो ये हो जाएगा a इंटू टू ए माइनस थ्री बी प्लस सी, फिर b से करेंगे 2a माइनस थ्री बी प्लस सी, फिर माइनस, अब c को से कीजिए 2ca, c को b से कीजिए प्लस का 3bc, तो क्या आंसर आएगा, आप a को a से मल्टीप्लाई कीजिए 2a स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 3ab प्लस ca, हो गया इससे भी मल्टीप्लाई। अब b को 2a से करेंगे 2ab, फिर b को 3b से माइनस 3b स्क्वायर, b को c से प्लस bc माइनस 2ca प्लस 3bc। अब हमें क्या ध्यान देना है, अब हमें लाइक टर्म को देखना है। देखिए 2a स्क्वायर जैसा कोई नहीं है, यहाँ ab है, ab ये भी है, तो 3 में से 2 गया 1ab आ गया, ठीक है। फिर 3b स्क्वायर आप लिख सकते हैं, ca देखिए एक ये है और एक ये है, तो दो में से क्या ये भी 1ca आ जाएगा। अब bc की बारी है, bc और bc देखिए 3 और ये 1 हो गया, 4bc हो गया, तो ये होगा हमारा आंसर, ठीक है। लाइक ही लाइक के साथ प्लस या माइनस हो सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें।